सुना है तुम्हारी बीवी की वजह से मेरी बीवी तकलीफ में आ गई है। नहीं, वो गलती से। गलती? गलती की माफी नहीं है मेरी किताब में, जानते हो ना। ओ, मानूर की तबीयत ठीक नहीं थी, जल्दी में ये सब कुछ हो गया। क्या हुआ है मानूर? बुखार हुआ हुआ उसे। अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझा था। फिर तो मुझे खैरियत मालूम करनी चाहिए, मेरा फर्ज बनता है। मिलकर आता हूँ। सुना है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, सोचा तुम्हारी खैरियत मालूम कर लूं। जिंदा हूं, मरी नहीं। तुम मरने तो तुम्हें दूंगा भी नहीं जब तक तुम्हारी मां जिंदा है ना, तुम्हें भी जिंदा रखूंगा पल पल मारने के लिए। और तुम्हें इस तरह पल पल मार के ना, तुम्हें अजियत होगी, उसे तुम्हारी मां को अजियत होगी। और तुम्हारी मां को अजियत में देखे मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो थोड़ा और हौसला पैदा कर लो तुम अपने अंदर, क्योंकि अपनी माँ को मैं हारने तो नहीं दूंगी। क्या कर सकती हो तुम, कैसे रोकोगी मुझे, कैसे बचाओगी अपनी मां को उस अजियत से जो मैं उसे देने वाला हूं। बोलो मानूर, क्या कर सकती हो तुम? कुछ नहीं कर सकती। रो सकती हो, तड़प सकती हो, चिल्ला सकती हो, तमाशा देख सकती हो, और मैं सब कुछ कर सकता हूं। अपना हाथ तो दिखाओ। लिहाज कर रही हूं मरियम के शौहर, सिर्फ इसलिए। शायद उस दिन का थप्पड़ तुम भूल गए हो। तुम्हारी वो अना, तुम्हारी वो जिद और तुम्हारा वो थप्पड़ मुझे आज तक याद है और मुझे सता रहा है। और मैं तुम्हें वैसे देखना चाह रहा था कि जो रिंग मैंने तुम्हें दी है वो तुम्हारे हाथ में अब तक है या नहीं, हिफाजत से। इसे क्या देख रही हो? ये सिर्फ मेरा साला ही नहीं, मेरा नौकर भी है। यकीन नहीं आ रहा? तालियान, मेरे लिए एक गिलास पानी लाना। जी अरबाज भाई। कैसा शौहर है तुम्हारा जो तुम्हारी हिफाजत तक नहीं कर सकता?